हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो आज क्या बोलते हैं, आज है मंगलवार। सबको बड़े मंगलवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम लोग यहाँ अपने जंगलीनाथ मंदिर में हैं। आज हम लोग यहाँ भंडारे का प्रोग्राम है। इधर देखो पूड़ी बन रही, और इस साइड में जो है कढ़ी चावल का आपको दिखाते हैं। अभी तो कढ़ी का प्रोग्राम चल रहा है, मतलब बन रहा है, थोड़ा बन चुका है। कढ़ी का जो है फ्लोरी जो पड़ती है वो बन चुकी है, और अभी चावल बनने जा रहा है। इधर इस समय चावल, बाकी सब लोग बैठे हैं। उस साइड में पूड़ी बन रही, भंडारे मतलब और भी चल रहे हैं यहाँ पे। और हम लोग आज मतलब सब बहुत मेहनत से लगे हुए हैं काम करने में। ये लोग तो नहा वहाँ के आ गए हैं, रचित हैं और ये दक्ष रुद्र सब नहा के आ गए हैं। बाकी अभी तो हम नहाने, हम सुबह आ गए थे यहाँ पे सामान देखने के लिए, चले नहाने के लिए। शायद अभी भैया लोग चले गए नहाने, और अब वो नहा के आएंगे। और इनकी देखो पानी पानी भरा जा रहा है, और थोड़े पानी भर चुके हैं, दिखाते हैं आपको। हम लोगों ने पाउच डाल दीजिए। अरे यार, कुछ तो फूटे निकल जाते हैं। ये देखिए बर्फ भी है, और सब अभी तैयार हो रहा है। अभी राइस तैयार हो रहे हैं, और आधे से ज़्यादा फूटे ही निकल जाते हैं। और उधर भी कुछ अलग भंडारा चल रहा है, पूरी सब्जी का हो गया। ये देखिए चावल गरम गरम निकल रहे हैं, एकदम गरम गरम है, शायद बन चुके हैं। तो हम लोग का ये 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, अभी 9 बज रहे होंगे। देखिए गरम गरम चावल निकाल दिए गए, और अभी मतलब जो उधर मंदिर बना है वहाँ पे कीर्तन या ऐसे कुछ चल रहा है, सुंदरकांड वगैरह। और इनके देखिए बड़े मेहनती आदमी हैं, पानी डाले जा रहे हैं। चलिए हम भी कुछ काम कर ही लेते हैं। तो भैया और पापा आ चुके हैं, और अभी भी प्रिपरेशन चल रही है। इसमें चावल बन चुके हैं, खोल के नहीं दिखा सकते, खोल के नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसमें मतलब गर्म बहुत है। इनकी देखो खड़े हैं, इन ये कह रहे हैं हमसे फोटो शूट कर दो। मेरा हमने कहा मंदिर में आया फोटो शूट करें। देखिए सेवा करते हुए, हाँ प्रसाद चल रहे। तो भैया लोग अभी मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, हम भी चलते हैं। जय हनुमान महाराज की जय। और ये बात कर रहे हैं, ये यही वीडियो आते हैं। तो चलते हैं एक बार दर्शन करके, फिर ही मिलते हैं। तो पापा भोग लगाने आ गए हैं, तो अभी भोग लगेगा, उसके बाद ही कुछ शुरू होगा। तो चलिए भोग लगाते हैं। तो अभी भोग बस लगने जा रहा है, चलते हैं देखते हैं। और भैया लोग देखो प्रणाम कर रहे हैं, ये लोग लाइन में लगे हैं। और हमारे हनुमान जी देखो कितने प्यारे से लग रहे हैं। ये देखो बैठे हैं, ये देखो कुछ और कुछ कर रहे हैं। इनकी देखो बैठे हैं, इनकी देखो ये खड़े हैं। ये लंगूर में अंगूर हैं, आई मीन बंदूर हैं। और भोग लगा के जस्ट पापा जा ही रहे हैं, क्योंकि अब वो जो भोग लगाया है वो भी डालना होगा जो बनना है। बहुत तेज भूख लग रही है, सुबह से कुछ ही नहीं खाया, बस थोड़ा बहुत प्रसाद खाया था और बूंदी केला वेला। तो अभी बस शुरू होने वाला है, तो अभी हम लोग भी खाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो चलते हैं। टेबल वेबल लग गई हैं, और ये दोनों बहुत लेट करते हैं। इतना लेट कैसे हो गया? अब बोलेंगे नहीं, बोलती बंद आती है। तो टेबल लग चुकी है, अब खाना लगाएंगे हम लोग, मतलब जो भी है, और फिर शुरू कर देंगे। यहाँ पे शुरू हो चुका है, इधर कढ़ी हो रहा, उधर चावल हो रहा है, जो चावल दे रहा है और बंटी आधा कढ़ी, और लोग आना शुरू हो गए हैं। तो चलिए अब हम भी बांटते हैं। तो यहाँ पे सब लोग लग चुके हैं काम पे, और सब मतलब सब बटने शुरू हो गए हैं, लोग भी आना शुरू हो गए हैं। अभी और भीड़ आएगी, और सब लोग लगे हैं। बंटी दादा, प्रज्वल, अंशुल दादा, सुदीप भैया, पापा, सब लोग लगे हैं। अभी हम भी लगेंगे जाके। और करण दादा उधर पानी बांट रहे हैं। तो चलिए हम भी बांटते हैं। तो इधर भंडारा शुरू हो गया है, देखो इतने सारे लोग लगे हैं, सब जो है बांटने में भंडारे को आ गए। आइए आप,
बिल्कुल बिल्कुल चढ़ा के आप आइए। और इधर देखिए सब लोग लगे हैं, और आपको पानी दिखाते हैं, पानी इधर बट रहा है, करण रचित और ये दक्ष पूरा ड्रम में भर रखे है पानी। देखो ये पाउच पूरा है, और भी अभी लगा स्टॉक में, और भी अभी स्टॉक में लगा। और अभी तो भंडारा स्टार्ट होगा, बहुत सारे आज भंडारा यहाँ से, दो तीन भंडारे और लगे हैं यहाँ पे मंदिर में। गाइस ये हमारे पापा के दोस्त खा रहे हैं कड़ी चावल। अरे कुछ नहीं, व्लॉग बनता। और यहाँ पे है कड़ी, और यहाँ पे है बंटी दादा, और इधर हम लोग का है पानी का स्टॉक, और यहाँ पे करण दादा। करण दादा अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? और यहाँ से पूरा कोटी के सारे मेंबर जो है सब प्रसाद बांटने में लगे हुए हैं, पीछे छोटू भैया, प्रवेश भैया, सब लोग। जय श्री राम। ये रचित जी अब आ गए हैं, क्योंकि प्रज्वल थक चुका है, रचित और रचित के पापा। हाँ आपके भी, आपके भी ना ना भूल के कैसे जाएंगे, भूलना तो है नहीं। कपड़े पहन के अच्छे अच्छे नए कपड़े पहन के, नए टी शर्ट। ये पानी का ड्रम वहाँ दूर थोड़ा लगा है, इसको पास में लाना चाह रहे हैं यहाँ पे, मतलब जहाँ पे भंडारा चल रहा है। अब सब लोग मिलके लाएंगे। कंटिन्यू भंडारा चल ही रहा है जब से स्टार्ट हुआ है, और जो ये बच्चे बहुत मेहनत कर रहा है, दोनों तो सबसे ज्यादा है, जो रचित लगे हुए हैं। जब लोग भंडारा करा रहे हैं तो यहाँ पे रचित दादा और भैया और प्रज्वल दादा यहाँ पे चावल सबको बांट रहे हैं। और ये भैया हैं, भैया भी अभी कर ही रहे हैं सारा काम, और वहाँ पे शेखू के पापा भी हैं, बंटी दादा भी हैं। भैया कैसा लग रहा है? बहुत मस्त लग रहा है, मजा आ गया। तो यहाँ पे बिल्कुल गर्मा गर्म अभी चावल आए हैं, और कड़ी का काम उधर हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे बंटी दादा और ताऊ जी हैं, जो कि कड़ी का कर रहे हैं, और अंकल सबके में स्पून लगा रहे हैं। तो ये हम लोग की कड़ी बिल्कुल अभी गर्म गर्म ये भी आई है। ताऊ जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बस करण दादा का सबसे बढ़िया काम है पानी पे देना, क्योंकि अभी पानी यहाँ पे पाउच है तो उसमें से निकलना है। भैया यहाँ, भैया भी यहाँ पे उसमें से निकाल रहा है यहाँ पे। भैया कैसा लग रहा है? मजा। अभी कंटिन्यू भंडारा चल रहा है, और अब नए नए लोग आ गए हैं, आपको दिखाते हैं। चावल के लिए जो है शेखू आ गया, रुद्र है, रचित है, और सबसे ज्यादा तो लड्डू मेहनत कर रहा है। अभी जस्ट आया है और पानी देने में लगा हुआ है, सबको दे रहा है लड्डू। बहुत मेहनत कर रहे हैं लड्डू जब से आए हैं। प्रसाद कैसा है? जय बजरंगबली। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखे हैं हमारे पूरी कमेटी। ये शेखू और लड्डू दोनों भाई साथ में दच, सब पानी में तो देने में लगे हुए हैं। कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया। अच्छा पूरा बर्फ। लड्डू कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा। तो सारी चीजें कंटिन्यू भैया, आराम से। ये पानी की ड्यूटी पे लगाए गए और यहाँ तो मारामारी कढ़ी के लिए चली चुकी है कि मैं हम बांट रहे हैं, हमें बांटना है, तो बाकी चीज़ें थोड़ी देर बाद। अब भंडारे का समापन हो चुका है, लास्ट में तो एकदम कढ़ी बची थोड़ी सी, बाकी सब बूंदी और ये चावल सब खरीद चुके हैं। ये सुबह से चार बजे ब्लॉगिंग के चक्कर में खाने आ चुके हैं, कपड़े बदल बदल के, कपड़े बदल बदल के। हमें देख रहे हो आप, वही है मेरा तो व्रत भी है यार, वही चीज ब्लॉग में थोड़ी ना दिखाएंगे आप। कढ़ी चाहिए। सो गाइस अभी सब समाप्त हो चुका है, और सब कुछ मतलब हो गया है, काफ़ी बढ़िया हुआ। और इनकी देखो भाई, ये पता है क्या कर रहे हैं? जो पानी के पाउच होते हैं ना, उसको ठंडा कर रहे हैं, और उसमें बर्फ़ पड़ी रही है। तो बस अभी समाप्त हुआ है, तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक शेयर, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमें पता है आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।